नमस्कार, मैं मीना लेमिनेस, न्यूज़ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधायक की दो बीवियों में सड़क पर झगड़ा, देखी वीडियो। अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी के साथ लगाई संगम में डुबकी। लोकसभा में बोले मुलायम, मेरी कामना है कि मोदी फिर से पीएम बने। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। यवतमाल जिले के पांडरकवड़ा में एक ऐसी घटना देखने को मिली है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। बीजेपी विधायक राजू तोड़साम की दो पत्नियां सड़क पर एक दूसरे से मारपीट करने लगी। घटना की जानकारी के अनुसार पांडरकवड़ा बाईपास के पास जब एमएलए अपनी दूसरी पत्नी के साथ जा रहे थे, उसी के दौरान एमएलए की पहली पत्नी अपने रिश्तेदारों के साथ पहुंचकर उनका रास्ता रोक लिया, जिसके बाद उन्होंने राजू तोड़साम की पत्नी की पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान राजू तोड़साम की दूसरी पत्नी बार बार मदद के लिए गुहार लगाती रही, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। घटना की सबसे खास बात यह थी कि यह पूरी मारपीट विधायक तोड़साम के सामने हुई। इस पूरे मामले को लेकर विधायक की ओर से कहा गया कि वह पहली पत्नी को तलाक दे चुके हैं, जबकि विधायक के दावे के विपरीत पहली पत्नी का दावा है कि दोनों के बीच तलाक नहीं हुआ है। वहीं घटना के बाद वसंतराव नाइक किसान एम्पावरमेंट के अध्यक्ष किशोर तिवारी का कहना है कि बीजेपी जल्द से जल्द राजू तोड़साम का इस्तीफा मांगे। इस तरह की घटना किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराई जा सकती है। प्रयागराज भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बुधवार को यहां संगम में डुबकी लगाई। शाह पहली बार कुंभ मेले में पहुंचे हैं। शाह के साथ भाजपा के संगठन महामंत्री रामलाल, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडेय, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और महामंत्री हरि गिरी आदि लोग भी थे। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद मुलायम सिंह ने कहा कि वे नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा है कि सभी सांसद दोबारा सदन में चुनकर आए। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।